الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الحمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين حضرات محترم سورہ صف کی کچھ درمیانی آیات میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی ہیں یہ وہ وقت ہے جس میں بہرحال ایک طویل عرصے سے امت مسلمہ میں موجود لوگوں پر ایک مایوسی کی کیفیت طاری تھی اور اس مایوسی کی بنیاد یہ تھی کہ جس شریعت کا خواب اہل دین دیکھتے ہیں وہ شریعت دنیا میں کسی ایک انچ کی جگہ پر بھی نافذ نہیں تھی اس پر افسوس اور دکھ بھی تھا اور اس پر بہرحال ایک شرمندگی کی کیفیت بھی تھی کہ کوئی اور چاہے اس کام کو کر سکے یا نہ کر سکے ہم بھی بہرحال وہ لوگ جنہوں نے یہ ملک حاصل ہی لا الہ الا اللہ کے نام پہ کیا تھا وہ بھی اس نظام کو نافذ نہیں کر سکے ہم کتابیں پڑھتے تھے
खिलाफत राशिदा के वाकयात सुनते थे, दिल में एक कसक और तड़प पैदा होती थी कि काश ये मुबारक निजाम हम भी अपनी आंखों से देखें। बड़े अजीब कुछ ख्यालात और एहसासात हुआ करते थे कि जब हम ये पढ़ा करते थे कि 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान और गलियों में रातों को उठ उठ कर चक्कर लगाता है कि कोई बच्चा भूखा ना सो जाए। बड़ा दिल करता था कि इस कैफियत को हम भी देखें। अब हम जिस दौर से गुजर रहे हैं उस दुख की कैफियत का कुछ आधा हिस्सा तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने खत्म कर दिया है, इसलिए कि एक बड़ी तवील जद्दोजहद के बाद हमारे पड़ोस में वो निजाम इंशाल्लाह कायम होने जा रहा है। तो यूं समझें कि उस दुख की कैफियत का आधा हिस्सा तो रफा दफा हो चुका और अल्लाह करे कि वो बाकी आधा हिस्सा भी, वो बाकी दुख भी अल्लाह खत्म कर दे और हम पड़ोस का लफ्ज इस्तेमाल करने की बजाय ये कहने वाले बन जाएं कि जहां हम रहते हैं जिस मुमलिकत में वहां पर अल्लाह का दीन नाफिज हो गया है। तो मैंने सूरह सफ की कुछ आयात आपके सामने तिलावत की हैं और इनमें एक मरकजी आयत जिस पर हम बहुत दफा गुफ्तगू कर चुके, बल्कि हर खुतबा जुमा में जो अरबी खुतबा है मेरी आदत है कि ये आयत मैं उसमें लाजमन पढ़ता हूं याद दहानी के लिए, तज़कीर के लिए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अलल दीन कुल्ली। अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुदा देकर, यानी कुरान मजीद के साथ, व दीनिल हक और सच्चा दीन देकर। किस लिए भेजा? सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए नहीं, सिर्फ सवाब के हुसूल के लिए नहीं, सिर्फ लोगों को दावत देने के लिए नहीं, सिर्फ अपनी इनफरादी इबादात के लिए नहीं, बल्कि ये दीन किस लिए भेजा? लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, कि अल्लाह का ये दीन पूरी दुनिया के ऊपर गालिब आ जाए, नाफिज हो। क्योंकि जब तक ये नहीं होता तब तक इस दुनिया से शिर्क का निजाम खत्म नहीं हो सकता। मैं उसकी चंद मिसालें आपके सामने अर्ज करता हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के पहले 40 सालों को अपने जहन में लाए। इन पहले 40 सालों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी बुत को सजदा नहीं किया, कोई गैर इखलाकी हरकत भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उसका शायबा तक मौजूद नहीं है। जिस रोज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए उस रोज से लेकर जिस रोज इस दुनिया से रुखसत हुए आखिरी लम्हे तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद पर थे, शिर्क पे नहीं थे। और आप अंदाजा लगाएं कि ये नौजवानी का वक्त आया है और उस नौजवानी में जाहिर है मुआशरे में जो कुछ चल रहा है, जो कल्चर चल रहा है, वो इंसान के ऊपर असरअंदाज भी होता है, बच्चे भी सीखते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन भी मक्का में गुजारा, लोग शिर्क करते थे, बुतों को सजदा करते थे, अल्लाह के नबी ने कभी वो असर कबूल नहीं किया। जवानी भी उन्हीं लोगों में गुजारी, अल्लाह के घर में मक्का वालों ने बैतुल्लाह के अंदर 360 बुत रखे हुए, शिर्क हो रहा है। और हरम की हुदूद के बाहर एक मैदान जो है ना बड़ा, उस मैदान के अंदर पत्थर नसब कर रखे हैं जिन्हें कुरान मजीद ने अनसाब कहा है,
ये फलां बुत से मंसूब है, ये फलां बुत से मंसूब है, और इन पत्थरों पर, नसब करदा पत्थरों पर ये लोग लाकर जानवरों को कुर्बान किया करते थे कि ये फलां फलां बुत के लिए हम नजर व नियाज के तौर पर पेश कर रहे हैं। 40 साल की जिंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस तरह की एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व होने नहीं दिया। जरा मेरे साथ साथ चले, बैतुल्लाह में कितने बुत हैं उस वक्त? 360। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन बुतों से इतनी बेजारी है, इतनी नफरत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खालिस अल्लाह की इबादत करने के लिए गारे हिरा में तशरीफ ले जाते हैं कि भाई वो माहौल ऐसा है कि मैं इबादत करने के लिए भी आऊंगा तो दिल पर वो कुड़न तारी होगी कि यहां अल्लाह के घर में ये क्या मामलात हो रहे हैं, लिहाजा खलवत में गारे हिरा में जाकर अल्लाह की इबादत करते हैं। अब 40 साल की उम्र में उसी गारे हिरा में नबुवत मिलती है और कुरान मजीद ने उसके लिए अल्फाज इस्तेमाल किए, फवजदका दाललन फहदा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह की इबादत का रास्ता तलाश कर रहे थे, हमने आपको वो रास्ता अता कर दिया है। और वो रास्ता क्या है कि सिर्फ आपकी अपनी जिंदगी में नहीं बल्कि ये तौहीद आपकी दावत में भी शामिल होनी चाहिए। जाएं अब अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। तो लिहाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से निकले और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को अल्लाह के दीन की दावत देना शुरू कर दी। जरा नोट फरमा लें ये जुमला जो मैं कहने लगा हूं कि आपको सीरत की किसी किताब ने कोहे सफा के बाद गारे हिरा का जिक्र नहीं मिलता। ये बात समझ में आ रही? कोहे सफा के बाद गारे हिरा का तस्करा नहीं मिलता, इसलिए कि गारे हिरा में वो खलवत की इबादतें तो हो रही, लेकिन अब जिम्मेदारी क्या लगी है? अल्लाह के बंदों को अल्लाह के दीन का पैगाम पहुंचाएं, दावत दें अल्लाह की तरफ। ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن। النبي صلى الله عليه وسلم بلائیں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف، اپنے رب کے راستے کی طرف انہیں دعوت دے، بالحکمہ حکمت کے ساتھ، والموعظه الحسنہ اور بڑا خوبصورت واعظ کہیں ان کے ساتھ، ان سے گفتگو کریں، وجادلهم بالتي هي احسن۔ اور ہو سکتا ہے کہ کچھ کے ساتھ آپ کو مجادلہ بھی کرنا پڑے، گفتگو بھی کرنی پڑے، ان کے ساتھ بحث مباحثہ بھی کرنا پڑے، تو وہ بھی احسن طریقے سے ہونا چاہیے۔ اب کوہ صفا کے بعد آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرا میں جاتے ہوئے نظر نہیں آئے گی، اب اللہ کے دین کی دعوت ہو رہی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوہ صفا پر اس توحید کے اعلان کے باوجود بیت اللہ میں بت کتنے ہیں؟ 360 ہی ہیں، ایک بت بھی ان میں سے کم نہیں ہوا۔ 13 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے ہیں اللہ کے دین، یا ابتدائی کچھ عرصہ نکال بھی دیں تو کم از کم 10 سال۔ 4000 کے قریب مکہ کی آبادی ہے، اس 4000 میں سے لگ بھگ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ تقریباً 100 کے قریب ہیں صرف۔ دعوت دینے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن جیسی دعوت اور کوئی دے نہیں سکتا، اور 4000 میں سے ایمان لانے والے 100۔ اس 13 سال کی مشقت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلتے ہیں، مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہیں، اور اس حالت میں جاتے ہیں کہ بیت اللہ میں ابھی بھی کتنے بت ہیں؟ 360 ہی ہیں۔ ابو بکر ایمان لا چکے، عمر ایمان لا چکے، عثمان ایمان لا چکے، علی ایمان لا چکے، طلحہ ایمان لا چکے، اور بڑے بڑے اکابر صحابہ حضرت امیر حمزہ ایمان لا چکے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، لیکن بہرحال مکہ کے
अंदर बैतुल्लाह में पड़े हुए बुतों की तादाद में एक बुत भी कम नहीं होगा। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए, मदीना मुनव्वरा में कोई एक बुत भी किसी के हां पड़ा हो इसका कोई जिक्र नहीं है। शिर्क था मदीना में, लेकिन वो शिर्क यहूदी करते थे और वो यहूदी उस इस अंदाज का शिर्क करते थे कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे, माअज़ल्लाह बुतों की पूजा नहीं थी। नबी अलैहिस्सलाम ने यहां आकर अल्लाह के दीन की दावत देना शुरू की, तादाद बढ़ती चली गई। 100 लोग मक्का से आने वाले हैं, बदर में कितने हो गए 313, उहद में कितने हो गए 700, खंदक में और बढ़ गए, तबूक में और बढ़ गई, तादाद बढ़ती जा रही। लेकिन जितनी भी तादाद बढ़ रही है ये नोट फरमाएं, कुफार के मुकाबले में ये तादाद हमेशा कम रही है। इधर 313 है तो उधर 1000 है, और जब इधर 700 हैं तो वहां 3000 हो गए, तीन तीन गुना तादाद उनकी बढ़ रही। बदर का मारका हुआ, अल्लाह ने कुफार को बड़ी ही जिल्लत आमेज शिकस्त दी है बदर में, जिल्लत आमेज, बड़े बड़े इनके सरदार कत्ल हो गए, मुसलमानों का रोब इन पे तारी हो गया। लेकिन क्या बदर में शिकस्त खाने के बाद मक्का वापस आकर किसी सरदार ने ये कहा कि जनाब मुसलमान बड़े ताकतवर हो गए हैं, एक बुत तोड़ दो? बैतुल्ला में बदर के बाद भी कितने बुत हैं? 360 हैं। उहद के बाद कितने? 360। खंदक के बाद कितने? 360 ही। एक बुत भी कम नहीं हुआ। ये सारी बड़ी फुतुहात है। मैं कहता हूं कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला के ईमान लाने से लेकर ग़ज़वा खंदक तक सारी फुतुहात ही है ना, सारी अल्लाह की नुसरत ही है, अल्लाह की मदद ही है, इसमें क्या शक है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ईमान लाते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उमर के ईमान लाने पर खुश हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं भी बड़ा खुश हूँ, मेरे सहाबा भी बड़े खुश हैं। वो अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको बताने आया हूं उमर के ईमान लाने पे अल्लाह भी बड़ा खुश है, अल्लाह के फरिश्ते भी बड़े खुश हैं। ये छोटी कामयाबी है, हिजरत मदीना थोड़ी अल्लाह की नुसरत है, कम नुसरत है वो, यानी हर कबीले का एक एक जवान मुश्तंडा तलवार लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के बाहर खड़ा है कि निकलने नहीं देंगे, और अल्लाह ताला उन सब की आंखों पे पर्दा डालकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके दरमियान से बहिफाजत ले गए। अल्लाह की मदद नहीं है, ये अल्लाह की नुसरत नहीं है? बदर अल्लाह की नुसरत नहीं है? फरिश्ते आ रहे हैं और कैसी नुसरत है, कैसी अल्लाह की मदद है कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो पत्थर आप उठा रहे हैं ना कंकरियां, और इन्हें आप मुशरिकीन की तरफ मार रहे हैं, ये आप नहीं मार रहे। वमा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, ये आप नहीं मार रहे बल्कि ये तो अल्लाह मार रहे। ये भी अल्लाह की तरफ से बड़ी नुसरत है, बड़ी फतह है बदर की। खंदक बहुत बड़ी फतह है, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया कि अल्लाह ने इनको ऐसी शिकस्त दी है कि ये दोबारा अब मुसलमानों की तरफ नहीं आ सकेंगे। लेकिन नोट फरमा लें कि बैतुल्लाह के अंदर बुत 360 से 359 भी नहीं, एक भी कम नहीं हो रहा। वो शिर्क का निजाम वहीं का वहीं खड़ा है। अब आ गया फतेह मक्का, कितना लश्कर है? 10,000 का। ये 10,000 का लश्कर जाकर मक्का पहुंचता है और अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में, यानी अरब के कैपिटल में, दारुल हुकूमत में
अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा अता फरमाते हैं। आप कैफियत देखिए उस गलबे की क्या है कि नबी अलैहि सलाम जो है वो मक्का में दाखिल हो रहे हैं। कितने साल की जद्दोजहद है? 23 साल। और शुरू के 3 निकाल दें तो कितने रह गए? शुरू के और आखिर के तो तकरीबन कितने रह गए? 20 साल रह गए। मैं मुशाबहत दूं तो आपने परेशान नहीं होना, कितनी जद्दोजहद है? 20 साल की। 20 साल मुसलसल जद्दोजहद के बाद इस दर्जे पर पहुंचे कि अल्लाह का दीन गालिब हो रहा है। वहां कुरूने उला वालों की जद्दोजहद भी 20 साल की है और आपके पड़ोस में कुरूने उखरा वालों की जद्दोजहद भी 20 ही साल की है। वो जो कोई ड्रामा लगता है या कोई टीवी प्रोग्राम लगता है या कोई आप नावल अफसाना पढ़ते हैं ना, तो उसके बिल्कुल शुरू में एक जुमला लिखा होता है कि जनाब ये जो किसी से इस वाकये की मुशाबहत महज इत्तेफाकिया होगी, तो मैं तो ये गुफ्तगू करने से पहले कह रहा हूं कि मुशाबहत इत्तेफाकिया नहीं है। वो कुरूने उला वाले थे, ये कुरूने उखरा वाले हैं। वहां भी 20 साल की जद्दोजहद है, यहां भी 20 साल की जद्दोजहद है। उस 20 साल के जद्दोजहद में कामयाबियां ही कामयाबी हैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के ईमान लाने से लेकर गज़वा खंदक तक सारी कामयाबी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये याद रखें कि इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फस वाली आयत सिर्फ तब उतरी है जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को जज़ीरा-नुमा अरब पर गालिब कर दिया है। कोहे सफा के बाद कोई बुत नहीं टूटा, हिजरत मदीना के बाद कोई बुत नहीं टूटा, गज़वा बदर के बाद कोई बुत नहीं टूटा, गज़वा खंदक के बाद कोई बुत नहीं टूटा, लेकिन अब अल्लाह का दीन गालिब हुआ है। वहां इनफरादी सतह पे काम चल रहा है, लोग मुसलमान हो रहे हैं, दायरा इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन बुत नहीं टूट रहे, निजाम नहीं बदल रहा, शिर्क खत्म नहीं हो रहा। अब अल्लाह ने दीन को गालिब किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उस्मान बिन तलहा को बुलाओ, जिसके पास काबतुल्लाह की चाबी है उसे बुलाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें याद है एक दफा मक्के के दौर में मैंने तुमसे कहा था ये दरवाजा खोलो, तुमने नहीं खोला था, आज तुम हमसे क्या उम्मीद रखते हो, आज भी नहीं खोलोगे? कहा जनाब आज आप हुक्मरान हैं, आज आपके पास ताकत है, आपका हुक्म सारांकों पर, मैं आपके लिए दरवाजा खोलता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान बिन तलहा हम लोगों का एहसान भूलते नहीं हैं, ये चाबी तेरे पास थी, ये चाबी अब भी तेरे ही पास रहेगी और कयामत तक तेरे ही खानदान में रहेगी। उस्मान बिन तलहा ईमान लाते हैं और आज तक जब मैं आपसे गुफ्तगु कर रहा हूँ बैतुल्लाह की चाबी उसी खानदान में चलती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हो रहे हैं फातह की हैसियत, फिर कह रहा हूं ये मुशाबहत इत्तेफाकिया नहीं है। वहां भी सर झुका हुआ है और सूरह फतह की तिलावत हो रही है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा हो रहा है, और यहां भी जब काबुल में दाखिल होते हैं तो सर झुके हुए हैं और सूरह फतह की तिलावत हो रही है और अल्लाह की मदद और नुसरत का ऐलान हो रहा है। वहां भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सारे साबिका दुश्मनों को इकट्ठा करके कहते हैं आज मैं गालिब हो गया, तुम मेरे बारे में क्या ख्याल करते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा? तो वो कहते हैं आप शरीफ हैं, आप शरीफ बाप के बेटे हैं, इज्जतदार हैं, हमें आपसे उम्मीद है आप हमें माफ कर देंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मुझसे माफी की उम्मीद रखते हो, मैं सिर्फ माफ नहीं करता, मैं तुमसे वो कहता हूं तो जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था, एक तो ये था कि मैं इल्जाम लगाता और तुम्हें याद कराता कि तुमने मेरे साथ क्या क्या कुछ किया था, मैं कहता हूं नहीं नहीं तुम पर आज के दिन कोई इल्जाम ही नहीं, तुमने तो किया ही कुछ नहीं है। वहां भी आम माफी का ऐलान होता है, यहां भी आम माफी का ऐलान होता है। फिर कह रहा हूं ये मुशाबहत इत्तेफाकिया मुशाबहत नहीं है।
वहां भी 20 साल की जद्दोजहद, यहां भी 20 साल की जद्दोजहद, वहां भी मकसद अल्लाह के दीन को गालिब करना, यहां भी मकसद अल्लाह के दीन को गालिब करना। इत्तेफाकिया नहीं है। अब वो वक्त आया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ भी कर दिया, जजीरा नमाए अरब पर इस्लाम की हुकूमत कायम हो गई। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के अंदर दाखिल हुए, सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के कंधे पर चढ़े और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक करके सारे बुतों को तोड़ना शुरू किया। ये कोहे सफा के बाद नहीं टूटे, ये हिजरत मदीना के बाद नहीं टूटे, ये बद्र उहद के बाद नहीं टूटे, ये खंदक के बाद नहीं टूटे, ये टूटे हैं तो फतेह मक्का के मौके पर टूटे हैं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक बुत तोड़ते जा रहे हैं और साथ साथ फरमाते जा रहे हैं, जा अल हक व ज़हक अल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। वो जा अल हक का मतलब तो समझो, हक आ गया। हक तो उसी दिन आ गया था जब गारे हिरा में बैठे थे, जो आया था वो हक नहीं था। हक तो इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक के साथ आ गया था, लेकिन उस हक के आने का इजहार हुआ है, शुरू हुआ था इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक से और जाहिर हुआ है, गालिब हुआ है, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह। अब बुत टूटे हैं, अब बैतुल्लाह को पाक किया गया है, अब वो शिर्क का निजाम खत्म हुआ है। और ये वो मकसद था जिसके लिए अल्लाह के रसूल को भेजा गया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अफराद की जिंदगी बदलती रहेगी, फर्द बदलते रहेंगे। आप किसी को दावत देंगे, अल्लाह ने बरकत दी, अल्लाह ने उसका दिल तब्दील कर दिया, होता रहे। निजाम बदलने की बात है। वो निजाम जो गैरुल्लाह की हुक्मरानी पे मबनी है, वो निजाम जिसे जमहूरियत के नाम पे हमें अता किया गया है और जिसके लिए हम अपनी जिंदगियां लगाने के लिए तैयार बैठ जाते हैं, उसके मुतबादिल वो शरीयत का निजाम है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल देकर गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जहां अल्लाह का दीन गालिब होगा, जहां वो शरीयत नाफिज होगी जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, उसकी बरकतें क्या हैं। आप सब मुसलमान हैं, सब जानते हैं खिलाफत राशिदा का दौर क्या था। हम में से कौन ऐसा है जो नहीं चाहता कि हम आज उसी खिलाफत राशिदा के दौर का कोई रुख किसी एतबार से हम भी अपनी आंखों से देखें। लेकिन इसके लिए बहरहाल हमें इस बात पर आना पड़ेगा कि अल्लाह हमारी मुमलिकत में भी हमें इस बात की तौफीक अदा फरमाए कि हम इस्लाम का निजाम नाफिज कर सकें। हमारे यहां भी जो कानून बने कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर बने, ये है असल में इस दौर में करने का काम। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमा दे। बस हमारी तंजीम इस्लामी तो बहरहाल इसके लिए आज से एक मुहिम शुरू कर रही, 3 हफ्ते पर मबनी, इसका नाम है निफाज़े दीन इस्लाम मुहिम। कि लोगों के अंदर एक आगाही तो हो कि इस्लाम का निजाम है क्या, उसकी खूबसूरती क्या है, हमारे आज के निजाम के साथ उसका क्या तकाबुल हो सकता है। आज लोग परेशान हैं, माशी तौर पर परेशान हैं, माशरती तौर पे सैकड़ों मुश्किलात हैं। एक बाप अपनी बेटी को घर से बाहर भेजने लगता है पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए, उसके दिल पे क्या गुजरती है, वो किस कदर परेशान होता है। ये माशरती मसाइल है, माशी मसाइल है, घर के खर्चे कैसे चलेंगे, मामलात कैसे होंगे। आप कितने लोग आज के मुआशरे में देख लें जो कहते हैं जनाब हराम खाए बगैर और दो नंबरी किए बगैर और झूठ बोले बगैर काम कारोबार नहीं चलते। मैंने पहले भी सूरह मायदा की आयत एक जुमे में तिलावत की थी आपके सामने। अल्लाह फरमाने तुम करके तो देखो अल्लाह का दीन कायम, अल्लाह आसमानों से भी बरकतें अता फरमाएगा, अल्लाह जमीन से भी बरकतें अता कर, अल्लाह तुम्हारे माशी माशरती मसाइल हल कर देगा। तुम अल्लाह के दीन को नाफिज तो करके देखो। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह का दौर है, 64 लाख मुरब्बा मील में एक आदमी ज़कात का मुस्तहिक नहीं है,
زکات دینے والے ہیں، بیت المال میں زکات جمع ہو رہی ہے، مستحق کوئی نہیں، یہ اس نظام کی برکت ہے. اس نظام کے لیے کوشش کرنا اور اس کے لیے بہرحال اللہ سے دعائیں بھی کرنا اور پھر اپنی صلاحیتیں اس کے لیے لگانا بھی کہ کہیں اللہ کے دین کا نظام آ جائے، وہ خلافت کا نظام آ جائے، وہ شریعت نافذ ہو جائے، تو آپ یقین کریں اس کی برکتیں ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ. آپ کے پڑوس میں ہو چکی، اب ان کے لیے خاص طور پر ہمیں دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیوں کا معاملہ فرمائے اور اللہ انہیں توفیق دے کہ جس کام کے لیے انہوں نے اتنی طویل جدوجہد کر رکھی ہے، اب وہ واقعتاً اس دین کو نافذ کر کے بھی دکھائیں، تاکہ ہم دنیا کے سامنے کوئی مثال تو پیش کر سکیں کہ دیکھو جناب، یہاں اللہ کا دین نافذ ہے اور یہاں برکتیں کیسے اللہ کی اتر رہی ہیں، کیسا انصاف کا اور عدل کا نظام قائم ہے، کوئی ایک مثال تو ہمارے پاس دینے کو. تو اللہ انہیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اس ملک میں بھی، جسے ہم نے حاصل ہی اسلام کے نام پر کیا تھا، اس میں بھی اللہ کا دین قائم کر سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. اللہ اللہ